सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। और जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में बाधाएं तो अवश्य आती हैं। तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में कोई बाधा मत लाना और जितनी भी बाधाएं हैं उनसे मुझे बचा लेना। एक पूर्णतः निरापद जीवन की कामना करते हैं, किंतु सत्य कहूं तो ये बाधाएं एक मात्रा में हमारे लिए आवश्यक है। ये बाधाएं नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण दूं तो जब हम चलते हैं तो इस भूमि का एक आकर्षक बल होता है जो हमें नीचे की ओर खींच कर रखता है। उसी कारण से आगे बढ़ना कठिन हो जाता है, किंतु इसी आकर्षक बल के कारण हम आगे बढ़ भी पाते हैं, क्योंकि ये आकर्षक बल हमें पकड़ के रखता है। उसी के कारण हम धरा पर टिके रहते हैं। यदि आकर्षक बल ना हो तो हम असंतुलित हो जाएंगे और असंतुलित होने पर चलना असंभव हो जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में पूर्णतः निरापद जीवन की कामना मत करना। ये बाधाएं आती हैं, किसी कारण से आती हैं। ये क्यों आती हैं समझो, इनका स्वागत करो। इससे जो सीख प्राप्त होगी वही आपको आगे ले जाएगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।